ये तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए ना केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ ना केवल भारतीय घूमने आते हैं बल्कि विदेशियों को भी इस जगह से बेहद प्यार है। यहाँ आप एक से एक पहाड़ी जगह, प्रकृति की खूबसूरती, एडवेंचर की भरपूर एक्टिविटी और ना जाने किन किन चीजों का मजा ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के अलावा उत्तराखंड अपनी भूतिया जगहों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को जाने से इतना डर लगता है कि वो दिन में भी ऐसी जगहों को आत्माओं से घिरा हुआ मानते हैं। चलिए आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी ही भूतिया जगह के बारे में बताते हैं जहाँ के नाम से भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इस जगह का नाम है ब्रिटिश मेंशन। इस मेंशन का निर्माण 1825 ईस्वी में एक आयरिश व्यक्ति द्वारा किया गया था, और उस समय में ये मेंशन पहला घर था जो वहां बना था। किसी को नहीं पता कि इस मेंशन के मालिक का आखिर हुआ क्या और क्यों ये मेंशन अकेला और वीरान हो गया। कुछ समय तक तो लोगों को कैप्टन दिखते रहे, लेकिन अचानक बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक दिन वो गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि वह अपनी सेना के साथ अपने क्षेत्र में वापस चले गए, लेकिन कुछ का कहना था कि वह मर गए और उसके बाद से ही उनकी आत्मा यहां भटक रही है। यहां तक कि कई लोगों ने वहां देर रात कैप्टन के भूत को घूमते हुए देखा है, जिस वजह से ये जगह भारत के प्रेत बाधित स्थानों में शामिल हो गई। इस कहानी को सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 252। राज अभिषेक, अंजलि और पूजा चारों अलग अलग शहरों और अच्छे परिवारों से थे। देहरादून में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में पढ़ाई अभी इतने अच्छे तरीके से शुरू नहीं हुई थी, तो उन चारों ने 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाकर आउटिंग करने का प्लान बनाया और कुछ जरूरत का सामान लेकर आज ही निकल पड़े। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। जुलाई का महीना होने के कारण हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदाबांदी के बाद एक बार फिर सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं, और इस गांव की कच्ची पक्की सड़क पर एक कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ते जा रही थी। कार की हेडलाइट से सड़कें चमक रही थी कि तभी अभिषेक ने राज की तरफ देखते हुए बोला, राज एक बार फिर सोच ले भाई, इतनी रात को सफर करना सही होगा क्या? दूर दूर तक सड़कें सुनसान पड़ी हैं, इंसान तो क्या, जानवर भी नजर नहीं आ रहा यहाँ। ये सुनते ही राज ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन नहीं होता तू मेरा दोस्त है। अरे दिन में भी सड़कें यहीं होती हैं, तो रात में क्या प्रॉब्लम है? और वो नुक्कड़ पर जो अंकल थे वो बता रहे थे कि आगे एक गेस्ट हाउस है, वहीं रुक जाएंगे, चिल कर ब्रो। ये सुनते ही एकदम हैरानी से राज की तरफ देखते हुए अभिषेक ने पूछा, कौन अंकल? नुक्कड़ पर तो बस चाय वाले बूढ़े आदमी का खोखा था, इसके अलावा तो मैंने किसी को नहीं देखा। राज ने सामने रोड की तरफ देखते हुए ही अभिषेक को जवाब दिया, अरे जब तू चाय पी रहा था तब मैंने उनसे पूछा था ना गेस्ट हाउस के बारे में, उन्होंने बताया कि इसी रोड पर आगे जाकर एक गेस्ट हाउस है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इतनी रात को बेवजह इस कच्चे रोड पर गाड़ी चलाने का। ये सुनते ही अभिषेक ने एक बार फिर बोला, पर मैंने किसी को नहीं देखा वहां। हाँ तुझे जरूर बात करते हुए देखा था, पर मुझे लगा तू कानों में एयरफोन लगाकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। अभिषेक की ये बात सुनते ही राज ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। इस बार राज के चेहरे पर भी परेशानी के भाव साफ साफ दिख रहे थे। तभी अभिषेक ने
और भी डरते हुए राज की तरफ देखते हुए कहा, यार अब तो मुझे डर लग रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है राज, मुझे लगता है हम फंस चुके हैं। राज और अभिषेक अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी के बिल्कुल सामने जानवर जैसा कुछ निकला और उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी सड़क से उतरकर नीचे खेतों में जा फंसी। राज ने जैसे तैसे गाड़ी को कंट्रोल किया। पिछली सीट पर सोई अंजलि और पूजा भी उठ चुकी थी। उन चारों को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ी खेतों की गीली मिट्टी में धंस चुकी थी। राज ने बहुत कोशिश की गाड़ी निकालने की, पर गाड़ी के पिछले पहिए मिट्टी में इतना धंस चुके थे कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जैसे तैसे राज और अभिषेक गाड़ी से बाहर निकले और अंजलि और पूजा को बाहर निकालने में मदद करने लगे। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। इस सुनसान जगह पर वो चारों गाड़ी छोड़कर सड़क से आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने पर उन चारों को सड़क से थोड़ी ही दूरी पर एक मेंशन दिखा कि तभी राज ने उसी तरफ उंगली का इशारा करते हुए बोला, अरे वो देखो कितना आलीशान मेंशन है, शायद यही है वो गेस्ट हाउस, चलो अंदर चलते हैं। ये सुनते ही सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और राज के पीछे उसी मेंशन की तरफ पढ़ने लगे। पर अभिषेक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि तभी एकदम रुकता हुआ अभिषेक बोला, राज थोड़ी देर पहले यहाँ कोई लाइट नहीं थी, शायद ये मेंशन भी नहीं था और अचानक ये मेंशन नजर आ रहा है, मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है यार। राज अब तक के हालातों को देखकर परेशान हो चुका था। अब अभिषेक की ये बात सुनते ही चिढ़ता हुआ बोला, तो अब क्या ये मेंशन अचानक पैदा हो गया? यार अभिषेक, वहां तुझे वो नुक्कड़ पे आदमी नहीं दिखा जो मुझे दिख रहा था, अब तू कह रहा है कि मेंशन नहीं नजर आ रहा था। अरे अब हम रात क्या खेतों में बिताएंगे? ये है तेरा प्लान, खूब आउटिंग करवा रहा है तू। ये कहता हुआ राज आगे की तरफ चला गया। अभिषेक, अंजलि और पूजा भी कोई और रास्ता ना देख चुपचाप राज के साथ उसी मेंशन की तरफ पढ़ने लगे। चारों को हल्की फुल्की खरोच भी लगी थी, इसीलिए वो चलने में थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो चारों मेंशन के सामने पहुंचे। वो मेंशन दूर से जितना शानदार दिख रहा था, पास से उतना ही आलीशान और खूबसूरत था। बिल्कुल सफेद दीवारें और सफेद संगमरमर का फर्श। दरवाजे पर एक दरवान खड़ा था। उसका पहनावा कुछ ऐसा था जैसे किसी बहुत बड़े राजा का दरबान हो। हाथ में भाला लेकर वो बड़ी मुस्तैदी से खड़ा था। भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम सुबह तक के लिए अंदर रुक सकते हैं? वो मौसम भी खराब है और रात भी। राज की अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी जब उस दरबान ने हाथ का इशारा करते हुए उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। धन्यवाद कहकर राज अंदर की तरफ जाने लगा और राज के पीछे पीछे चलते अभिषेक ने जब उस दरबान की तरफ देखा तो एक बार फिर अभिषेक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि बाहर खड़े उस दरबान का चेहरा बिना किसी भाव और आंखें ऐसी दिख रही थी मानो ये इंसान नहीं कोई पत्थर की मूरत हो। अभिषेक को यहाँ आने पर ऐसा एहसास हो रहा था मानो उन सबने यहाँ आकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ने उस मेंशन में अंदर आते ही देखा तो ये मेंशन अंदर से और भी शानदार दिख रहा था। मेंशन में घुसते ही बैठक लगी हुई थी जिसमें बहुत ही सुंदर सजावट थी और छत पर एक बहुत बड़ा झूमर लटका हुआ था जिसकी सफेद रोशनी में पूरा मेंशन जगमगा रहा था। ये मेंशन ब्रिटिश रहन सहन का गवाह प्रतीत हो रहा था कि तभी साथ चल रही अंजलि ने चारों तरफ देखते हुए बोला, कितना बड़ा घर है यार, लगता है ओनर को पुराने जमाने का सामान ज्यादा पसंद है, देखो तो सारा घर पुराने जमाने के घरों की तरह सजाया हुआ है।
ये सुनते ही अभिषेक ने थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ वो तो ठीक है, पर यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कि तभी अंदर से एक ब्रिटिश महिला बाहर आई। उस महिला ने ब्रिटिश काल का एक गाउन पहन रखा था और उन चारों की तरफ आते हुए ही उस महिला का बोलना था, अरे आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सारे किले सिकवे भूलकर आ ही गए। पीटर आपको देखकर बहुत खुश होगा, कृपया अंदर आइए। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अंदर की तरफ पढ़ने लगे और चारों हैरानी से यही सोच रहे थे कि उनके आने के बारे में आखिर इस महिला को कैसे पता। राज अभिषेक अंजलि और पूजा के बैठते ही उस महिला ने एक जोर की आवाज लगाकर अंदर किसी को उनके बारे में बताया तो अंदर से किसी आदमी ने जवाब दिया, आ रहा हूं मैं ना। उन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उन चारों को कैसे जानते हैं। यही सोचते हुए राज ने उस महिला की तरफ देखते हुए बोला, हम चारों मतलब वो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो हम यहाँ चले आए। अभी राज की बात खत्म हुई ही थी कि तभी अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आता हुआ ही बोला, कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बोलकर सही करवा दूंगा, आप लोग बताइए क्या लेंगे, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। ये बातें सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी राज ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही आदमी था जो नुक्कड़ पर उसे मिला था और जिसने उसे इस गेस्ट हाउस का पता बताया था। एकदम से राज अभिषेक की तरफ देखता हुआ बोला, अभिषेक यही हैं वो अंकल जो मुझे नुक्कड़ पर मिले थे, पर आप इतनी जल्दी वापस यहाँ कैसे आए? हमें तो पूरे रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं दिखी। ये सुनते ही एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस आदमी ने कहा, मुझे तो यहाँ आने के कई रास्ते पता हैं। आप बताइए कैसा रहा सफर? ये सुनते ही साथ खड़ी पूजा ने कहा, आप दोनों काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। ये सुनकर उस आदमी और ऐना ने मुस्कुराते हुए खाने का बोला और अंदर की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन सब ने खाना खाया और उन चारों को रूम दिखाकर वो दोनों भी सोने चले गए। राज और अभिषेक के रूम के बगल में ही अंजलि और पूजा का रूम था, जहां की खिड़की के बाहर जंगल को साफ देखा जा सकता था। कमरे में अंदर आते ही अंजलि और पूजा ने देखा तो कमरा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। ऊपर एक पंखा लगा हुआ था और उसके ठीक नीचे एक बड़ा सा बेड, जिसपे वो आते ही सो गई। अभी उन दोनों को सोए तकरीबन आधा घंटा हुआ था कि तभी कमरे में आती एक अजीब सी आवाज से अंजलि की नींद खुली। नींद में ही उसने उठकर इधर उधर देखा तो खिड़की हवा से हिलकर ये आवाज कर रही थी। अपने बेड से उतरकर उसने नींद में ही चलते हुए खिड़की बंद की और फिर से आकर सोने को अभी हुई ही थी कि एक बार फिर वही आवाज उसके ठीक पीछे से आने लगी। ये सुनकर अब अंजलि की नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो धीरे धीरे फिर उसी खिड़की की तरफ पड़ी और खिड़की को एकदम से बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ने को अभी हुई ही थी कि एक लड़कियों की सिसकियों भरी आवाज उसे साफ साफ सुनाई देने लगी। और ये आवाज दरवाजे से आ रही थी। अंजलि ने एक नजर बेड पर सोई पूजा की तरफ देखा और दूसरी नजर दरवाजे की तरफ और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पड़ने लगी। दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचकर बिना दरवाजा खोले अंजलि ने कान लगाकर सुनने की कोशिश भर ही की थी कि तभी चले जाओ यहां से, ये सुनकर अंजलि डर से कांपती हुई
भागकर पूजा को जगाने की कोशिश करने लगी। पूजा के उठते ही उसने सारी बात बताई। दोनों उठकर अभी दरवाजा खोलने को जा ही रहे थे कि तभी एक बार फिर खिड़की से एक अजीब सी आवाज आने लगी। और अब ये आवाज पूजा को भी साफ साफ सुनाई दी थी। दोनों एक साथ खिड़की की तरफ पड़ी और खिड़की बंद करने को हाथ बढ़ाए ही थे कि उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को खिड़की के बाहर देखा। ये उस मेंशन के पीछे वाला हिस्सा था जहां वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। ध्यान से देखने पर उन दोनों ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की तरफ हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। इस कमरे की खिड़की ग्रिल्स वाली थी जिससे इसके पार भी नहीं जाया जा सकता था। अंजलि ने उस बूढ़े आदमी को अपने पास आने का इशारा किया और जैसे वो आदमी इसी बात का इंतजार कर रहा था, वो लड़खड़ाता हुआ खिड़की के पास आते ही एक अजीब सी दबी हुई आवाज में बोला, चले जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, क्यों आए हो यहाँ? अंजलि और पूजा ने देखा तो उस बूढ़े आदमी के हाथ पैर कांप रहे थे। ये देखते ही अंजलि ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं यहाँ। ये सुनते ही इस बार जो उस बूढ़े आदमी ने बताया वो सुनकर उन दोनों की रूह तक कांप उठी, क्योंकि उस आदमी का बताना था कि इस पूरे मेंशन में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। क्यों यहाँ मरने चले आए? अरे वो नीच तुम्हारी पोटी पोटी नोच डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें, जैसे मेरी लक्ष्मी को नहीं छोड़ा था। ये कहकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। ये सारी बातें सुनकर अंजलि और पूजा काफी डर चुकी थी और अब तक जो ये उन दोनों के साथ हो रहा था ये उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि तभी डरते हुए उन दोनों ने पूछा, ठीक से बताइए बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हो? हम मरना नहीं चाहते। इस पे उस बूढ़े आदमी का बताना था कि मेरा नाम दयानंद है, मेरी बेटी लक्ष्मी और मैं इस मेंशन में रहा करते थे। पीटर के पिता रॉबर्ट साहब बड़े अच्छे आदमी थे, ब्रिटिश थे पर गांव के लोगों का दुख दर्द समझते थे, दान धर्म में भी विश्वास करते थे। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं उनका नौकर हूं, लेकिन फिर रॉबर्ट साहब की मौत के बाद उनका बेटा पीटर लंदन से वापस आया। मैं उसे भी वही इज्जत देता था पर मुझे पता नहीं था कि पीटर बहुत गिरा हुआ इंसान है। धीरे धीरे गांव में लड़कियां गायब होने लगी, गायब होने के बाद सीधे उनकी लाश मिलती थी और वो भी बुरी तरह सड़ी गली हालत में। गांव वालों को लगता था कि शायद कोई जंगली जानवर गांव में आता है, लेकिन जब सिर्फ लड़कियां गायब होने लगी तो फिर लगा कि कुछ और माजरा है, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी करने वाला वह जानवर हम सबके बीच में वो पीटर ही था। वो इतना नीच व्यक्ति था कि ये बात उसकी पत्नी ऐना को भी नहीं पता थी। फिर एक दिन उसकी नजर मेरी लक्ष्मी पर पड़ी, उस दरिंदे ने मेरी लक्ष्मी के साथ भी वही दुर्व्यवहार किया। अगले दिन लक्ष्मी का शरीर इसी मेंशन की छत पर मिला, थोड़ी सी जान उसमें बाकी थी। वह कांपते हुए बस पीटर का नाम ही बोल पाई और उसने दम तोड़ दिया। पीटर ही वो जानवर है, ये सुनकर ऐना तो जैसे पागल हो गई थी और मुझे भी कहां होश था। ऐना दौड़कर नीचे गई और नीचे हॉल में बंदूक की आवाज सुनकर जब मैं वहां पहुंचा तब तक पीटर ने ऐना को मार दिया था। मुझे आता देख पीटर ने मुझ पर भी गोली चला दी। मुझे मरा हुआ समझकर जैसे ही पीटर जाने को हुआ तो मैंने उसी बंदूक से उसे गोली मार दी और इस तरह हम सब यहीं मर गए और हमारी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। ये सुनकर अंजलि और पूजा कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे, क्योंकि जिस बूढ़े आदमी से अभी तक वो दोनों बात कर रहे थे वो भी इंसान नहीं था। अंजलि और पूजा ने आओ देखा ना ताओ और भागने के लिए पीछे मुड़े ही थे तो पीछे का नजारा देखकर उन
उनके हाथ पैर कांप गए, क्योंकि अभी अभी जो मेंशन शानदार और सुंदर लग रहा था वो बिल्कुल खंडहर और वीरान हो चुका था। अंजलि और पूजा ये देख ही रहे थे कि एक बार फिर खिड़की के बाहर उस बूढ़े आदमी ने कहा, यही था वो जाल जिसमें तुम दोनों फंस चुकी हो। ये मेंशन बरसों से वीरान है, यहाँ लोग तो क्या जंगली जानवर तक नहीं आते। गांव यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी भी वक्त है, जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी पीटर की शक्तियां और भी बढ़ती जाएंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ये सुनते ही अंजलि और पूजा उस कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागे। भागते भागते ही साथ वाले कमरे में उन दोनों की नजर पड़ी जहां राज और अभिषेक गए थे, तो वो कमरा भी खाली और टूटी फूटी हालत में था। अंजलि और पूजा बाहर की तरफ निकलकर अंधाधुंध भागे जा रही थी, जब मेंशन के अंदर से उन दोनों को राज और अभिषेक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मुड़कर पीछे देखा तो उस मेंशन के गेट पर राज और अभिषेक खड़े थे। अंजलि और पूजा उनकी तरफ मुड़ते कि उससे पहले ही एक आवाज उन दोनों के कानों के ठीक पास सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से, पोतरिंदा तुम्हें भी नोच डालेगा, भाग जाओ। अंजलि और पूजा फिर से एक बार गांव की तरफ भागे और रास्ते में किसी भी आवाज पर उन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उनकी गाड़ी को वहां से निकाला गया तो गाड़ी में राज और अभिषेक बेहोशी की हालत में ही थे। उस रात हुई इस घटना के बाद अंजलि और पूजा अब कभी भी रात में सफर नहीं करते और आज भी कभी कभी उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी।